सो हेलो एवरीवन, आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज की वीडियो में हम सारी की सारी कैमरे की सेटिंग, जो कि हमारा ये है फोन ओप्पो F15, जो कि आप सभी का, मेरे सब्सक्राइबर का सबसे फेवरेट फोन है। तो ये जो हमारा फोन है वो अपडेट हो चुका है कलरओएस 11 में फाइनली। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार के लिए। वैसे मैं जो वीडियो है वो बना रहा हूँ अपने दूसरे फोन से, जो कि हमारा ये फोन है रियलमी X7। तो आप लोग बताइएगा कैसी वीडियो कुछ आ रही है। तो आप ये देख सकते हैं जो फोन है वो अपडेट हो चुका है एंड्रॉइड 11 में। तो चलिए फटाफट से दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारी की सारी कैमरे की सेटिंग में एक्सप्लेन करने वाला हूं आज। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही जाकर बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा देखने के लिए दोस्तों मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारे पास में फोन ओप्पो का F15, जो कि आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में। तो चलिए इसका जो इसको अनलॉक कर लेते हैं फटाफट से, उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन से एंड्रॉइड पे चल रहा है। तो फटाफट से चलते हैं अबाउट फोन वाले सेक्शन में, उसके बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो हमारा फोन है एंड्रॉयड 11 पे दोस्तों ये बेस्ड हो चुका है फाइनली। और इसका जो मैं बताना चाहता हूँ सारी की सारी जो आपको कैमरे की सेटिंग है ओप्पो F15 की, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपना प्यार बरसा दीजिए। कमेंट सेक्शन में जाके फटाफट से कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज की कैमरे की सेटिंग वाली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा इस फोन का, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आप कैमरे में जाएंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे नीचे यहाँ पे अल्ट्रा वाइड सेंसर यहाँ पे दिया गया, जो कि आप ये वाला मोड सेलेक्ट करेंगे तो अल्ट्रा वाइड सेंसर में आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1x का ऑप्शन दिया गया ये, फिर यहीं पे राइट साइड में 2x का ऑप्शन दिया गया ये, ऐसा कुछ जो कि आप ये देख सकते हैं 1x के बाद 2x का ऑप्शन जो कि दिया गया। उसके बाद में 5x का ऑप्शन यहीं पे दिया गया है। तो आप 1x 2x 5x या फिर अल्ट्रा वाइड पे यहीं से जा सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड में ब्यूटिफिकेशन का ऑप्शन दिया गया, तो आप ब्यूटिफिकेशन अपने हिसाब से कम ज्यादा जितना आपको रखना है रख सकते हैं। और सबसे ऊपर बात करते हैं यहाँ पे फ्लैश दिया गया, जहाँ पे ऑटो ऑन ऑफ या फिर लाइटिंग आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए आप के ऊपर है ये HDR मोड दिया गया है, तो इसको ऑन ऑफ या फिर ऑटो पे HDR मोड को भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया ये वाला सबसे अच्छा है, डेजल कलर मोड का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे डेजल कलर ऑन हो जाएगा, तो डेजल कलर का ऑप्शन यहाँ पे आपको दे दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे ये जो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ फिल्टर्स दिए गए हैं, जो कि ये साइड में आपको देख सकते हैं अलग अलग फिल्टर्स में आप फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिल्टर्स दिए गए हैं। और यहाँ की बात करें तो सबसे बड़ी जो चेंजेस लगा मुझे ये आप जो देख रहे हैं ये गूगल लेंस वाला ऑप्शन जो कि ऐड करा गया है इस फोन में। आई होप सो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है जो कि ऐड करा गया है गूगल लेंस। पहले गूगल लेंस ऐड नहीं करा गया था, तो आई कंफर्ट को एक बार के लिए रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए गूगल लेंस ऐड करा गया, तो गूगल लेंस पे जैसे ही आप जाएंगे अगर आपका फोन नेटवर्क में रहेगा तो आप देखेंगे कुछ कोई चीज़ आप टेक्स्ट स्कैन कर सकते हैं या फिर कुछ किसी चीज़ की आप फोटो लेंगे तो वो बता देगा कि वो कौन सी चीज़ है। तो ये ऑप्शन ऐड करा गया जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। अब पोर्ट्रेट मोड में चलते हैं, तो पोर्ट्रेट मोड में कुछ आप देखेंगे ऐसा ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ से आप ब्लर एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा या फिर कम ब्लर चाहिए, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ब्लर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फिल्टर्स का ऑप्शन यहाँ पे भी दिया गया है, तो आप अलग अलग फिल्टर्स में जाके फोटोज अगर आपको क्लिक करने हैं तो अलग अलग फिल्टर्स में क्लिक कर सकते हैं फोटोज। उसके बाद में यहाँ पे टाइमर का ऑप्शन दिया गया, तो टाइमर आप 1, 2, 3 या फिर 3 सेकंड या फिर 10 सेकंड का टाइमर लगा सकते हैं। उसके बाद में वो के पोर्ट्रेट मोड में और कुछ अलग से ऑप्शन नहीं दिया गया है कि आप कुछ अलग से फोटोज वगैरह ले लें या फिर आप कुछ और सेटिंग्स कर लें अपने फोन में, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद में फोटोज में पोर्ट्रेट शॉट्स में कुछ इतना ही ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद पोर्ट्रेट शॉट्स के बाद में आप देख सकते हैं उसके बाद में यहाँ पे मोर का ऑप्शन दिया गया, तो मोर में आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे कुछ स्टिकर का ऑप्शन आपको दिया गया, जो कि स्टिकर्स आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टिकर का ऑप्शन दिया गया है, टाइम लैप्स है, पैनोरमा शॉट्स है, स्लो मोशन है, एक्सपर्ट मोड दिया गया है। तो उसके बाद में एक्सपर्ट मोड में थोड़ा सा हम चलते हैं, उसके बाद में आप यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे ISO रेंज वगैरह आप देखेंगे अपने हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ऑटो फोकसिंग है, वाइट बैलेंस है, EV है, जो कि आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें भी फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हैं, टाइमर लगा सकते हैं। तो एक्सपर्ट मोड के अलावा भी इसमें आप मोर पे जाएंगे तो स्टिकर का ऑप्शन दिया गया, तो आप अगर स्टिकर अपना कोई किसी का फोटो लेंगे तो स्टिकर वगैरह यूज कर सकते हैं। बैक कैमरे से भी ये काफी अच्छा फीचर दिया गया है। उसके बाद टाइम लैप्स का ऑप्शन दिया गया, तो आप टाइम लैप्स फोटोज ले सकते हैं अपने इसी फोन से ओप्पो F15 में, जो कि ये फीचर पहले भी था अब भी है। स्लो मोशन है, तो स्लो मोशन आप देख सकते हैं काफी ठीक ठाक ले सकते हैं। इससे उतना अच्छा तो नहीं बनता है, बस फिर भी ठीक ठाक स्लो मोशन आ जाता है। तो ये रहा स्लो मोशन। उसके बाद मोर में और ऑप्शन दिया गया ये पैनोरमा शॉट्स का, तो आप पैनोरमा शॉट्स अगर लेना चाहे तो चारों तरफ अपने फोन को घुमा के पैनोरमा शॉट्स काफी आसानी से ले सकते हैं मोर के ऑप्शन में जाके। उसके बाद में दोस्तों सेटिंग की बात कर लेते हैं, तो सबसे बड़ा जो मेन चेंजेस मुझे लगा कि सेटिंग में ही आएगा, तो डार्क मोड मेरा ऑन है, उसको भी मैं एक बार के लिए बंद कर देता हूँ।
तो मुझे लगा था जो सेटिंग में सबसे ज्यादा बड़ा चेंजेस आएगा, बट सेटिंग में कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ पे आपको दिया गया वॉल्यूम बटन के लिए आप फोटोज क्लिक कर सकते हैं, शटर साउंड है, लोकेशन है, कंपोजिशन में आपको दिया गया फोटो आप ग्रिड लाइन करना चाहते हैं या फिर जो लाइन्स है ग्लो गोल्ड स्पाइरल करना चाहते हैं तो इसका कुछ ऑप्शन दिया गया। तो एक बार के लिए देख लेते हैं ये कौन सा ऑप्शन दिया गया। तो आप ये देखेंगे कुछ ऐसा जो अगर आपको दिख रहा होगा कैमरे में, तो ऐसा कुछ ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है सेटिंग में, जो कि पहले नहीं था, अभी ऐड करा गया कंपोजिशन के ऑप्शन से। तो ये हम बंद कर देते हैं। तो ये ऐसा कुछ ऑप्शन दिया गया, लेवल दिया गया, एडजस्ट डिवाइस टू सूट फोटोज एंड लेवल एंगल, तो इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग भी कुछ दी गई, तो उस पर भी क्लिक करते हैं। फ्लिप सेल्फी दिया गया, लेंस स्टैंड डिटेक्शन दिया गया, क्विक लॉन्च गेस्टर्स हैं, क्विक शेयर एंड एडिट ऐसा की ऑप्शन दिया गया एडवांस सेटिंग में। शूटिंग मेथड की बात करें तो यहाँ पे दिया गया टच टू टेक फोटो, यूज गेस्टर टू टेक फोटो, तो आप टच करके फोटोज क्लिक कर सकते हैं या फिर पाम वगैरह गेस्टर्स लगा के आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, ये तो सब में ऑप्शन रहता है। वाटरमार्क ऑप्शन दिया गया, आप नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट एंड टाइम, फोन का मॉडल, लोकेशन वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो की बात करें तो आप ये देख सकते हैं इंटरनल जूम नहीं लिखा है, सिलेक्ट स्पीड देन टच एंड होल्ड स्क्रीन टू जूम इन एंड आउट स्मूथली, तो आप वो जूम का ऑप्शन बस बैक कैमरे में मिलता है, फ्रंट कैमरे में कोई जूम नहीं मिलता है। रियलमी और ओप्पो के डिवाइसेज में ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है। तो वीडियो रेजोल्यूशन में चलें तो अभी भी वही ऑप्शन दिया गया है 1080x2, आप ये देख सकते हैं 1080 पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 4K का ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऐसा कहना था कि हो सकता है कि मैं भी श्योर कि कलरलेस 11 आए तो हो सकता है कि 4K का ऑप्शन आए, बट नो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग इन ओप्पो F15 इन एंड्रॉयड 11। तो उसके बाद में 720 भी है, तो 720 पे चाहे तो 180 पे चाहे तो जैसे आप चाहें तो वैसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपनी। आपको देखना है कि किस पे रिकॉर्डिंग आपको करनी है, रिस्टोर टू डिफॉल्ट करेंगे तो डिफॉल्ट सेटिंग रिस्टोर हो जाएगी। उसके बाद में ऑप्शन है वीडियो का, तो आप वीडियो पे चलते हैं तो ये देखिए वीडियो का कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाता है खुल के। यहाँ पे सबसे ऊपर दिया गया फ्लैश, तो यहाँ से फ्लैश और ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे फिल्टर्स दिए गए हैं वीडियो के लिए भी, जो कि आप फिल्टर्स चूज कर सकते हैं। अल्ट्रा वाइड सेंसर से भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। और 1x पे वीडियो, 2x पे वीडियो, 5x पे वीडियो और 10x पे भी वीडियो, ठीक 10x पे भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं ओप्पो F15 के बैक कैमरे से। यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन का ऑप्शन दिया गया है, कुछ कुछ चीज़ें डिसअपॉइंटिंग लगी बट ठीक है। और नाइट मोड का ऑप्शन ने यहाँ पे भी दिया गया, तो नाइट मोड आप कुछ ऐसा देखेंगे, नाइट मोड में आप जो अपना ये है फ्रेम साइज उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नाइट मोड में जाने के लिए फ्रेम साइज आपको अवेलेबल मिल जाएगा, 16:9 भी कर सकते हैं आप ये देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्राईपॉड मोड, कीप योर फोन डिवाइस स्टडी, तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन ये ऐड करा गया, ट्राईपॉड मोड पहले नहीं था जो कि ओप्पो F15 से मिसिंग था, जो कि अभी ट्राईपॉड मोड यहाँ पे आपको देख लीजिए यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये आपका ऑप्शन है ट्राईपॉड मोड का, जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो आपका फोन ज्यादा हिलेगा नहीं, तो ट्राईपॉड मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेम साइज दिया गया है, टाइमर दिया गया है, उसके बाद में यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है अल्ट्रा वाइड में भी आप नाइट मोड नाइट फोटोज ले सकते हैं। उसके बाद में 1x पे भी 2x पे भी फोटोज ले सकते हैं अल्ट्रा वाइड फोटोज अगर आपको कोई लेनी है। उसके बाद में इसको रख देते हैं ऊपर, तो अगर आपको फोटो लेनी है तो 5x पे भी ले सकते हैं। उसके बाद में आप 10x पे भी नाइट मोड वाले शॉट ले सकते हैं, काफ़ी ठीक ठाक शॉट्स आते हैं नाइट मोड में, तो आप नाइट मोड में शॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, आपके ऊपर है दोस्तों। तो चलिए अब फ्रंट कैमरे की बात करते हैं, फ्रंट कैमरे में क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, क्या कुछ चेंजेस करे गए हैं। तो अब फ्रंट कैमरे की बात करते हैं, फ्रंट कैमरे में वैसे मैं भी दिख रहा हूँ। फ्रंट कैमरे में सबसे पहले ऊपर आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, तो ऐसे कर लेता हूँ मैं फोन को। यहाँ पे आपको ऑटो फ्लैश का दिया गया जो कि आपका स्क्रीन फ्लैश ही है। उसके बाद में HDR का ऑप्शन भी ऐड करा गया, जो कि HDR आप लगा सकते हैं फ्रंट कैमरे में भी, ये काफी अच्छी बात है। ब्यूटिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ दिया गया, तो ब्यूटिफिकेशन अगर आप चाहें तो अपने फेस पे भर भर के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिल्टर्स का भी ऑप्शन दिया गया है, टाइमर का ऑप्शन दिया गया है 3 सेकंड या फिर 10 सेकंड का। उसके बाद में चलते हैं पोर्ट्रेट शॉट्स पे, तो दोस्तों जो पोर्ट्रेट शॉट्स है तो कुछ ऐसे आपको ये देख लीजिए, पोर्ट्रेट काफी ठीक ठाक हो गया है, जो ब्लरिंग वगैरह है मैं आपको एक फोटो क्लिक करके दिखाता हूं। तो आप ये देखेंगे जो पोर्ट्रेट शॉट है कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है, बट ये देख लीजिए एजेस वगैरह काफी ठीक ठाक इसने वो किया है, आप अगर कैमरे में दिख रहा होगा तो आप देखेंगे ठीक ठाक पोर्ट्रेट शॉट्स आते हैं। उसके बाद में यहाँ पे भी ब्यूटिफिकेशन का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप बोके जो आया उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। फिल्टर्स दिया गया है, टाइमर यहाँ पे भी दिया गया। मोर के ऑप्शन में चलते हैं, तो यहाँ पे मोर के ऑप्शन में कुछ भी नहीं देखने के लिए मिलता है। टाइम लैप्स का ऑप्शन है, पैनोरमा का ऑप्शन है, स्टिकर का ऑप्शन है, तो स्टिकर कौन सा लगाएं, स्टिकर आप देख सकते हैं कोई स्टिकर डाउनलोड है नहीं, बट कोई स्टिकर डाउनलोड इसमें नहीं है, तो डाउनलोड करना पड़ेगा स्टिकर, तो स्टिकर आप लगा सकते हैं।
उसके बाद में पैनोरमा शॉट्स आप अगर लेना चाहें तो अपने फ़ोन को घुमा के चारों तरफ ले सकते हैं इसमें भी। उसके बाद में ऑप्शन होता है टाइम लैप्स का, तो टाइम लैप्स भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे फ्रेम साइज वगैरह ये देख लीजिए, ये हो गया, फोटोज की बात हो गई, SDR मोड वगैरह सब ऑन है। उसके बाद में यहाँ पे नाइट मोड फ्लाइट मोड कुछ भी नहीं दिया गया, यहाँ पे सीधा वीडियो का ऑप्शन ही दिया गया है क्योंकि बस वीडियो ही अवेलेबल है इसमें, नाइट मोड नहीं अवेलेबल बस इसके फ्रंट कैमरे में। तो ये रहा आपका फिल्टर, आप फिल्टर्स चूज करके अलग अलग टाइप के वीडियोस ले सकते हैं आड़े टेढ़े मुंह बना के। उसके बाद में सेटिंग में चलते हैं, तो सेटिंग में एक बार के लिए आप 1080 पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, आई होप कि फ्रंट कैमरे से भी 1080 पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे जूम देखते हैं, जूम होता है कि नहीं ये देख लीजिए, जूम का कोई ऑप्शन ही नहीं है फ्रंट कैमरे में। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है कि जूम का ऑप्शन नहीं दिया जाता है ओप्पो और रियलमी के फ्रंट कैमरे में। आप चाहे 20,000 लगाइए, चाहे 15,000 लगाइए, चाहे 50,000 लगाइए, आई होप कि बहुत सारे फोन्स में मैंने देखा है, Reno 3 में भी नहीं, Reno 3 Pro में भी नहीं देखने के लिए मिलते हैं। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा, बट ठीक है दोस्तों, यही है कुछ कैमरे की सेटिंग जो कि सारी की सारी मैंने बता दी। पहले भी आपको मैंने बताई थी एक वीडियो में, वो वीडियो पे आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज की वीडियो में आप कैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा वो तो बाद में देखने के लिए पता चलेगा दोस्तों। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करें नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अपना प्यार बरसा दीजिए कमेंट सेक्शन में, अपना प्यार बरसा के दोस्तों कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, और लाइक बटन को दबा दे भी, यहाँ जाइएगा मत। तो मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।